गुड मॉर्निंग बेटा, आज का क्वेश्चन है इफ ए पावर इज इक्वल टू बी पावर वाई इज इक्वल टू जेड एंड बराबर ए सी, ये दिया हो तो हमें वाई की वैल्यू निकालना है, मतलब हमें यहाँ से निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में गया है, ठीक है, आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड नेशन में, अदर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, डायरेक्ट लॉग वगैरह लेंगे तो बहुत टिपिकल हो जाता है सॉल्व करने के लिए, और आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो नहीं हो पाए। तो इसको हम एक रेशियो में फिर एक सब्जेक्टिव मेथड से सपोज करके, ठीक है। तो जैसे ये क्वांटिटी दिया गया है तो सॉल्व कर दो, ए एक्स इज इक्वल टू बी पावर वाई इज इक्वल टू सी पावर जेड, ठीक है, ये दिया हुआ। हम कुछ देर के लिए इसको के मान लेते हैं क्योंकि तीनों बराबर है, तो तीनों के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, के पावर वन बाई एक्स, बी की वैल्यू निकालेंगे के पावर वन बाई वाई, सी की वैल्यू निकालेंगे के पावर वन बाई जेड, ठीक है, हमें ये मिल गया, ठीक, एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा ये दिया गया कंडीशन बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है, ये दूसरा हो गया। हम इन दोनों की सहायता से एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, ठीक है, बी लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, के पावर वन बाई वाई, के पावर वन बाई वाई का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू ए सी है, ए की जगह क्या, के पावर वन बाई एक्स, सी की जगह वन बाई जेड, तो के पावर वन बाई एक्स इंटू के पावर वन बाई जेड, ठीक है, ये हो गया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं इधर क्या हो जाएगा, k पावर 2 बाई वाई इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट लेके चलिएगा हर जगह से, ठीक है, k पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। तो यहाँ से देखा जाए किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है, तो वो हमारे आपस पावर, सॉरी, अगर ये बेस सेम है, ठीक है, तो उसका पावर भी एक्सपोनेंट भी सेम होता है। तो 2 पावर वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड हो गया। आप इसको एलसीएम लीजिए और यहाँ से वाई सॉल्व करिए, 2 बाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड। तो हम यहाँ से निकालेंगे वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर जाएगा, 2 एक्स जेड, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो ये आ गया वाई की वैल्यू, क्वेश्चन यही कह रहा था हमें वाई निकालना है, तो वाई हमारा निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। अब बाकी अगर आप लॉग लेके सॉल्व करेंगे या फिर अदर कुछ ट्रिक लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ रेशियो करके वन करके निकालेंगे, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, काफ़ी सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा। इसलिए ये जो मेथड बताएं, इस मेथड को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपस में बराबर आए, उसके साथ कंडीशन दिया हो, तो आप उसको के मानिएगा, के मानने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसको के को रिमूव करना है, किसी तरह से आप उस के को रिमूव कर पाते हैं तो आपको क्वेश्चन या सॉल्यूशन काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।